हमने इसके साथ क्या किया? लूसी, ये बिल्कुल आसान काम है, अंदर जाना बाहर आना। जा रही हूँ क्योंकि सोमवार को मेरे इम्तिहान है, मुझे नहाना है और नहीं, मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओके, मुस्कान दे दो और वापस चली आओ। पैसा मिलता है? हाँ, एक तरह से। जैसे कितना? नहीं है। सुनो। क्या? हम याद आता, मैंने ये दर्जनों बार किया है, इसमें सिर्फ पेपर वर्क है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? I'm so sorry, मुझे सचमुच तुम्हारी बताओ, तुम्हारे जबान की कोई कीमत नहीं है। ये लो $500 दे रहा हूँ। नहीं रिचर्ड, रिचर्ड। लूसी? लूसी क्या? बस लूसी। मिस्टर जैन ने कहा कि आपको यहीं रुकना है, तो बेहतर होगा आप यहीं पर रुकिए। छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा नाम लूसी है, नाम लूसी है। ये बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे बस ये केस पहुंचा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या? हेलो मिस, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, बहुत बड़ी गलती है, प्लीज इंग्लिश बोलते हो प्लीज। जी हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं एक साल इंटरनेशनल हाई स्कूल न्यूयॉर्क। तूने कागज का टुकड़ा दिया है जिस पर एक नंबर लिखा है, अब क्या करूं? ये कोड है। अब अन्य रोबो शिने को ब्रो बने दियो। या ना कर रिचार्ड के शेकी मत मिलो। जोर दे रहे हैं कि तुम वो केस खोलो। ओके ओके। और भी काम है। जैसे एक पर्पल पाउडर, पता नहीं क्या है पर बहुत खराब लग रहा है। पहुंच जाइए। सके आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। पहले हमें 4 लाख साल पहले तक रुकना पड़ता है। पहले न एक न्यूरॉन आप जिंदा है, 2 न्यूरॉन ज्यादातर प्राणी अपनी दिमाग की क्षमता को केवल 3 या 5% ही इस्तेमाल है। इस हिसाब से ये कहीं ज्यादा है। जो हमसे बेहतर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, जो कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि मानव जाति को ज्यादा ख्याल रहता है पाने का। या उदानी को बुआना यो जिको वो जोगी कुमान जिको। गर्मियों में बीच पर जाना घूमना, मुझे इस दाग की परवाह नहीं। मैं यकीन करो। क्या है ये? वैसे इसका साइंटिफिक नाम है। अंदर आइए, आ जाइए। इस कारोबार में हिस्सा लेने के लिए, जो कि मुझे यकीन है बिना किसी रुकावट के सफल हो जाएगा, खुद मानता हूँ। और क्या आपको याद दिलाने की जरूरत है कि अगर मैं पूरी तरह से यकीन कर रहा हूँ आप सब पर। लवली, क्या तुम इसे बेचने वाले हो? जी हाँ, हमारा ये शरीरों की हर एक कोशिका का इस मकसद को पूरा। तो वो चुनेंगे प्रशिका को और जो आगे देता है अगली कोशिका या सेल को इसी। ओके, शांत हो जाओ, तुम्हें इंतजार है, बस इंतजार करो, समय बचाओ। यहाँ वहीं हुआ है क्या? नहीं यार, वो उसी Yeah.
अपने दिमाग का फर्ज कीजिए 20% करता हूं। पर अगर इसके बारे में सोचो तो बहुत परेशानी होती है ये जम और कानूनों को आगे बढ़ाए और जाएं एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन। नेटवर्क है इंफॉर्मेशन का जिस तक हमारी कोई पहुंच नहीं। अपने को और दूसरों को कंट्रोल करने के बाद आएगा मेटल। लॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%। आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें 143life.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल? मिस हेलो। ने मेरे अंदर ड्रग्स का एक थैला भर दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे निकालो। ये लीक। मैं बस आपको एग्जामिन करने वाला। लूसी बेबी, तुम्हारी आवाज़, तुम अपनी देखभाल करोगी। मैं कोशिश कर रही हूँ मॉम, मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा स्वीटी? महसूस कर सकती हूँ धरती की रोटेशन। याद है बिल्ली को सहलाना, वो कितनी नरम थी। बिल्ली? वो कमरा। धन्यवाद करना चाहती हूँ उन हजारों किसेस के लिए जो मैं अभी। हाँ हाँ करो। CPH4 जैसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, यही है जो फीटस को ज्यादा देर तक नहीं। त्वचा के नीचे से कुछ फिसलना दूर दूर के क्षेत्र तक है। मैं ये जान चुकी हूँ कि ये वही है जो हमें हम दर्द हो रहा है, बस दर्द और कुछ नहीं। बर्लिन, धन्यवाद। निंग प्रोफेसर, क्या हाल है बेन? क्या आज रात आप डिनर यहीं करेंगे? मैं भी बकबक करते रहते जो मुझे समझ नहीं आती, और फिर वो कहते हैं वो हमेशा फोन। मैं तो बस पागल हो जाती हूँ। और तुम्हें मैं बताऊँ वो मुझे कहाँ ले गया? खैर, बड़ी खुशी हुई यंग लेडी, पर यकीन नहीं हो रहा। नहीं, मैं अकेली ही हूँ। मेरे सेल एक असामान्य रूप से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रति सेकंड कई मिलियंस की 100% क्षमता इस्तेमाल करने देगा। इस वक्त मैं 28%। क्या कहूँ, ये सच है ती हो? हाँ, और मैं दूसरे लोगों के शरीर को भी कंट्रोल। ये तो कमाल है। वो मिटती जा रही हैं, कम इंसान महसूस करती हूँ। ये सारी नॉलेज मुझे पता नहीं। अगर तुम लक्ष्य रहा है कि जो सीखा गया है वैसे ही जैसे एक साधारण से। मैं लिवर भी खराब हो रही है, तुम्हें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे। ये दवा ड्रग्स के तस्करी के बारे में मैं किसी अथॉरिटी के साथ बात करना चाहती हूँ। उनके पास 1 किलो ड्रग्स है,
उन्हें गिरफ्तार करो और वो पदार्थ जमा करो। मेरा यकीन करो। Buongiorno signore. Ci seguo per favore, da questa parte. चल रही हो? Ladies and gentlemen, हम कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं। बेशक। मिस, ये शैंपेन। नॉलेज के नाम। आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। Oui, elle est assise sur son lit. Ah. वो कहाँ है? पुलिस के रूप में हम बहुत सी अजीब बातें देखते हैं, पर एक बात मैं सच सच कहूं, नहीं। ओरियन, मैं ड्राइव करूंगी। Allez, allons-y les cocos là. Allez, allez, allez. मरने के बजाय लेट होना पसंद करूंगा। बताने वाला हूं कि हमारा पीछा बंद कर दे। परेशान मत हो। तुम हो किस लिए? हम कहां जा रहे हैं? एक्सलेंट। तो देखो, मैं होटल में नहीं हूं, मैं बेशक जेंटलमैन उन पहले ना खोजी गई सेरेब्रल जोन तक। तुम इस जगह को सुरक्षित कर सकती हो, मुझे फोकस रहना पड़ेगा। जरूर। तुमने ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कैसे कर ली? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस खुरूप होते हैं, फिर अदला बदली करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सीखा है। पर 1+1 कभी 2 नहीं होते। असल पर यदि इंसान माप की यूनिट नहीं है और तो हमारे पास उसके अस्तित्व का क्या सबूत है? ज्यादा देर उन्हें रोक नहीं पाएंगे, तो जाने का समय। मुझे डर है तुम बच नहीं पाओगे। मेरे अंदर कुछ सेल लड़ेंगे अपना, पर ये सारी की सारी नॉलेज लूसी। अज्ञानता उपद्रव लाती है, ज्ञान नहीं। Thank you.
समझगा सो? कहाँ गई वो? आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। क्या बात है? अभी आता हूं। कंप्यूटर और टेलीकॉम पूरी तरह से तैयार है। मैं कोशिश करूंगा कि आईएससी कमजोर ना पड़े। मैं पैन का इंतजार कर रहा था लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है जॉश। हाँ हाँ सही बात है, बस यूं ही मेरी याद थोड़ी ना आएगी। ऐसा नहीं है। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे बेटे को थोड़ी देर के लिए संभाल सकते हो? ना मत कहना, तुम्हें करना पड़ेगा। बस थोड़ी देर के लिए एक अच्छे इंसान बन जाओ, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। ठीक है, चाहे तुम ये मेरा ऑर्डर ही समझ लो। ये देखो, तुम्हें पता है ये धरती पर मिट्टी कम और पानी ज्यादा है। इसमें पिघली हुई आयरन और निकल है, और पता है क्योंकि ये धरती घूम रही है इसलिए इसमें चुंबकीय बल पैदा होता है जिससे हम यूनिवर्स के रेडिएशन से बच पाते हैं। इसके बिना ये हवा जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं वो नहीं होती और हम भी नहीं होते। क्या तुम सोच सकते हो? जो तुम बच्चे से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसे कुछ सच्चाई बता रहा था। ओह शुक्रिया पैम। ओह इसने पकड़ लिया। तो तुम मीटिंग के लिए तैयार हो? हाँ। गुड। क्या तुम परेशान हो पैम? मेरे सर पे तलवार लटक रही है, तुम साफ साफ नहीं बोल सकते? सुनो, जब वो 8 भूकंप आए थे तभी सोलर फ्लेयर हुआ था और उसी रात को नॉर्थ पोल का झुकाव भी 2000 मील बढ़ा था। ओ, बस करो। और उसी रात पूरे शहर की बिजली भी गुल थी। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो डिटेल्ड रिपोर्ट। ये सब सच? मैंने खुद मैग्नेटिक वेरिएंस चेक किया है पैम, ये ध्रुवीय पलट का संकेत है। खैर ये डरावना है मानती हूँ, लेकिन इसमें इतना भी चौंकने वाली बात नहीं है। हर 5 लाख साल में एक बार होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पहले 7,80,000 साल पहले हुआ और उसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था। अभी भी बहुत मैमल्स के अवशेष मिलना बाकी है, लेकिन 600 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर नॉर्थ अमेरिका में ब्लास्ट हो गए हैं उस CME की वजह से जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। बिजली जा चुकी है और अब मुझे अंदर जाना है, सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी को ये समझाना है ये मेरी गलती नहीं है। इसलिए प्लीज क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? नहीं, क्योंकि सूरज पे एक तूफान से अगर धरती के चुंबकीय बल पर ये असर पड़ेगा तो हमें उन्हें ये बात बतानी चाहिए। नहीं जॉश, तुम तेज हो, तुम बहुत जानकार हो, और जब तुमने यहाँ काम शुरू किया था मैं तभी समझ गई थी तुम मुझसे आगे जरूर जाओगे। सच में? तो क्या तुम्हें उसी बात का डर लग रहा है? जरा अपनी समझदारी यहाँ भी लगाओ, और तुम अंदर जाकर उन्हें अभी ये नहीं बता सकते कि धरती का अंदरूनी कोर धीमा पड़ रहा है। ओह और वैसे भी कोलोराडो से GS-13 सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर खरीदना चाहते हैं ये देखने के लिए कि शायद गति बढ़ाई जा सके। देखो ऐसा नहीं हो सकता है। देखो अगर मैं उन्हें बताता हूँ कि हमारे सर पर खतरा मंडरा रहा है तो उन्हें इसके बारे में हाँ जैसे कि एक असल का फिजिसिस्ट लेकर आएंगे जो तुम्हारी जगह ले सके। पैम, पैम रुको, पैम, पैम डॉक्टर कृष्ण, क्या बात है, क्या लगा रखा है? वो खो गए हैं। क्या? हमारे बच्चे डॉक्टर तैयार नहीं हुए। ओह पैम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस खुद को समझा लेती कि शायद किस्मत में नहीं है। आई नो शांत हो जाओ।
लेकिन हो सकता है शायद ये सही हो। मेरा मतलब है अभी और भी बहुत कुछ है संभालने के लिए और दुनिया को हमारी जरूरत है। और मुझे तुम्हारी। मैं समझता हूँ। तुम समझ रहे हो? यस। तुम सुन रहे हो? तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं? हाँ प्लीज, क्योंकि तुम्हारी आदत जो दिल में है वो कहता हूँ, जिसे लोगों को बुरा लगता है। मुझे ये आदत पसंद नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट को पैसों की जरूरत है। ध्रुवीय पलट एक गंभीर मामला है पैम, मानव जाति खत्म हो सकती है। हाँ तो उस पे आर्टिकल लिखो, किताब लिखो, कुछ भी पेपर लिखो जिससे तुम्हें उनकी सोच का फर्क न पड़े। अच्छा, और लिख के मैं उनके कमेंट्स का वेट करता रहूं और यहां मेरे आसपास से हवा ही गायब हो जाए और वो जिंदगी भर डिस्कस ही करते रहे। हाँ तो अपनी मीटिंग खुद बनाओ। अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। भूकंप? यहां से 100 मील की दूरी पे एक ज्वालामुखी है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। शायद सच में। आज का दिन बिना सिर पैर की बात करने का नहीं है पैम। होमलैंड सिक्योरिटी को अपनी टांग अड़ानी पड़ी जब बिजली चली गई, इसलिए अभी हम थोड़ी देर में लाइव होने वाले हैं। प्रेसिडेंट हमें ज्वाइन करने वाले हैं। रॉन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ शुक्रिया मिस्टर सेक्रेटरी, हम आपको सुन सकते हैं। बहुत अच्छे। सर्न में जो लोग हैं उन लोगों ने मुझे अपने हार्ड वायर्ड कोलाइडर कंट्रोल रूम फील्ड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इंतजार के लिए शुक्रिया। हाँ तो स्टेटस बताइए। मैडम प्रेसिडेंट, मैं नोवा का डायरेक्टर हूँ और ये डेप्यूटी डायरेक्टर सैटेलाइट संपर्क नासा के लिए पैमेला कुशिंग है। आप मिलिए इनसे और सारे शौर्य गतिविधियाँ पर नजर रखती हैं। हाँ तो बात क्या है, हमें ऐसे अचानक क्यों बुलाया गया है? सूरज ने हम पर हमला कर दिया है 3 तरंगी रेडिएशन, आयनाइजेशन और एक हिंसक कोरोनल उत्सर्जन से, जो कि करोड़ों थर्मोन्यूक्लियर हथियारों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि हमारी और 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चला आ रहा है। और उसकी वजह से ही तीखी रोशनी चमकी थी और उसकी वजह से ही जियोडेटिक सैटेलाइट्स भी तबाह हो गई और हमारे ट्रांसफॉर्मर्स भी। तो ये है हमारी करंट स्टेटस। इसका हमें अंदाजा नहीं था, इसलिए तैयारी भी नहीं की। मैडम प्रेसिडेंट, स्पेस के मौसम विभाग ने ये आशंका जताई थी कि कोरोनल उत्सर्जन हो सकता है। रिकॉर्ड्स में उनकी वार्निंग दर्ज है। हाँ तो ये काफी नहीं है। मैम कुछ कह सकती हूँ? हमारा मानना है क्षति कम से कम हो ये कोशिश करे अगर सूरज ने फिर से तबाही मचाने की कोशिश की। अगर रीजनल पावर सिस्टम को सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी की एडवांस वार्निंग सिस्टम से जोड़ दें तो हम एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और इसमें खर्चा बहुत हो सकता है। खुशी की बात है हमारे मैग्नेटिक फील्ड ने सूरज के अधिक से अधिक उत्सर्जन को रोक लिया। मेरे कलीग और मेरे पति जोशुआ चैम्बरलिन US जियोलॉजिकल सर्वे से आपको इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में और बता सकते हैं। जॉश? हाय हाय, मेरा नाम है जॉश चैम्बरलिन US जियोलॉजिकल सर्वे से और मेरी चिंता का विषय है सूरज में उठे तूफान की वजह से धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर असर। मैडम प्रेसिडेंट, ये कमजोर पड़ता जा रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा। डॉक्टर जिक्री सर, मैं आपसे खुद बात करना चाहता था हैड्रॉन कॉलिडर के बारे में ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। समस्या आखिर में है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो क्या है कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड कई लाखों सालों से 5% हर सदी की दर से घटती ही जा रही है, लेकिन पिछले 100 सालों में वो दर 10% हो गया है। मैं ये चाहूंगी कि इस बड़े सूरज के तूफान से हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जा सके। और मैं भी वही कह रहा हूँ प्रेसिडेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ गड़बड़ हुई तो या वो खत्म हो जाएगा ध्रुवीय पलट की वजह से, तो उसी तूफान की वजह से सारी टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर हो जाएंगी और धरती का वातावरण भी खत्म हो जाएगा और सारी मानव जाति का खत्म हो जाएगा। ये आप जानती हैं, ये सिर्फ बिजली के जाने की समस्या नहीं है, महाद्वीप का डूबना एक। प्लीज बैठ जाओ। इसीलिए मैंने सीधा धरती के कोर की ही बात की थी। ये नामुमकिन है।
ये नामुमकिन नहीं है। हम सन्स के LHC और रिलेटिव आयन कोलाइडर को इस्तेमाल कर सकते। समस्या से इसका लेना देना है? इससे शायद समस्या का समाधान हो सकता है, बस हमें इसकी फीडिंग का इंतजाम करना। ब्लैक होल, तुम पार्टिकल कोलाइडर्स में ब्लैक होल बनाना चाहते हो, ये प्लान है तुम्हारा? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? चैम्बरलेन, बस बहुत हुआ। हाँ, मुझे पता है गुरुत्वाकर्षण होगा, मुझे पता है डायनामो इफेक्ट भी होगा जिससे धरती का कोर फिर से घूमना शुरू करेगा, जिससे मैग्नेटोस्फीयर अपनी पहले की स्थिति में चला जाएगा। शुक्रिया सर। अगर सूरज के तूफान ने धरती को छुआ और मैग्नेटिक फील्ड पे असर पड़ा, अगर हमारी धरती भी मार्स बन जाएगी। जॉश, मैंने कहा बैठ जा, हवा होगी और ना ही जिंदगी। कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं है? चुप हो जाओ जॉश। That's it. जॉश, ये सब अभी हो रहा है और ही नहीं है। थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कैसे बेवकूफ हैं ये लोग, पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ शायद, उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे अभी अंदर जाकर उन... तुमने मेरे करियर को बर्बाद करने की ठान रखी है क्या? बेवकूफ, तुम्हें समझ नहीं आता। रुको, तुम ठीक हो? नहीं, क्या ये बाकी मैं रख लूं? तुम मेरे साथ आ सकती हो, क्योंकि सब खत्म होने वाला है। क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे अलावा क्या करूंगा मैं? कर सकते हो, तुम लड़ सकते हो। मैंने सुना है टेक्सास में काफी खूबसूरत मौसम है। अच्छा, और ये मौसम है कौन सा? मुझे नहीं पता, भूविज्ञान की पृष्ठभूमि और प्रेसिडेंट का मुझे निकालना। मैंने सुना है कि इस एक्सपीरियंस से 6 अंकों की सैलरी मिलती है लोन स्टार स्टेट में। विश्वास नहीं होता ना? तुम बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, उनके पास ताकत है फैसला लेने का, तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। तुम मानती हो ना ऐसा हो सकता? हाँ, मैं मानती हूँ कि हो सकता है। इतना सब कुछ हो चुका है और तुम्हारे तथ्य भी बिल्कुल सही है और ये सब कुछ बिल्कुल अचानक हो रहा है, लेकिन हमारे बारे में सोचो, हमारे प्यार का क्या? अगर ऐसा कुछ होता है, ये बात सच निकली, तो मैं ऐसा कुछ करना चाहूंगी कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। और तुम? उन्हें लगता है मुझे भ्रम हो रहा है। जब भी तुम्हें लगे वो सुनने के लिए तैयार हैं, मुझे कॉल करना। अच्छा, अगर ऐसा सच में हुआ तो तुम क्या करोगे? मैं एक नाव बनाऊंगा और जब सब कुछ डूब जाएगा, मैं उसमें तैर के निकल जाऊंगा। मुझसे दूर? मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ बीच में छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें वो नहीं। मैं और तुम, हम दोनों एक साथ हो सकते हैं, बस तुम और मैं। हमेशा कहते हो कि तुम्हारे पापा ने जीवन में कुछ सार्थक नहीं किया, तो तुमने क्या कर लिया? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, भाग रहे हो, बस भाग रहे हो, नाव चला रहे हो। मेरी माँ मेरे पापा के साथ हमेशा बनी रही, उस लत में भी, उनके अफेयर्स में भी, जब वो रेक्विजिशन ऑफिस से कागजात तक गवर्न कर रहे, तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा उन्हें। आखिरकार कानून ने उन्हें छोड़ तो दिया, लेकिन उनका पेंशन आधा कम कर दिया गया। इन सब के बावजूद भी वो उनके साथ रही हमेशा, कभी एक शब्द नहीं कहा। और जब मैंने बात की दुनिया बचाने की, तुम मुझ पे हंसने लगी। मैं तुम पर हंसी नहीं, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया था, अपने करियर को दांव पे लगा दिया था, और तुमने क्या किया? उस मौके को बर्बाद कर दिया। हाँ, खैर एक बात कहूं पैम, मेरी बची हुई चीजों को जला देना, क्योंकि वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉश, टेक्टोनिक प्लेट
आइस के हिल जाने से बर्फ की चट्टाने पिघल रही है। हाल ही में आए ज्वार ने अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला शहर अपने आगोश में ले लिया है। ये सब आज सुबह के भूकंप के बाद हुआ है, जो कि 7.1 रिक्टर के स्केल का था। ये जानना वैसे लगभग नामुमकिन है कि ये अब कितनी जाने लेगा। बचाव कर्मी पूरे जोर शोर से लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं और ज्वार के शिकार लोगों की मदद कर रहे हैं। हेलो, बचने वालों की तादाद काफी कम नजर आ रही है। ये तबाही। बांग्लादेश क्या पूरी तरह डूब गया है? नॉर्थ पोल के बारे में बताओ। मैग्नेटोस्फीयर 11 माइक्रोटेल्सा पे रजिस्टर कर रहा है। ये सामान्य का एक तिहाई है। ठीक है, शुक्रिया। माइकल, मेरे लिए एक गल्वेस्टन का टिकट बुक करो। नहीं, कल का नहीं चाहिए। नहीं, मुझे आज का ही चाहिए। चार्टर्ड करो या कुछ भी, लेकिन मुझे 1.5 घंटे में निकलना है। ठीक है, शुक्रिया। रेडीमेड मीट। मुझे लगा तुम कॉल करोगी। मैंने तो किया था, तुमने कभी वापस कॉल नहीं किया। हाँ, काम में थोड़ा बिजी था, लेकिन लगता है तुम भी बहुत बिजी थी। लगता है तुम्हारी नाव तैयार हो गई। देखो, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई। अगर तुम वही पुरानी बातें याद करना चाहती हो तो मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। देखो, मैं ये बताने आई हूँ, मैग्नेटोस्फीयर फिर से कमजोर पड़ गया है, बहुत ज्यादा, और ये प्रक्रिया बहुत तेज है। पता है, यही पता करना मेरा काम था, याद है? मैं अभी भी पढ़ाई भूला नहीं हूँ। यहाँ तो कोई मानता ही नहीं कि मैं क्या हूँ। मुझे भी नहीं पता तुम क्या हो। हे, क्या तुम जल्दी कर सकती हो? क्या तुम्हें हाल के शौर्य तूफान के बारे में पता है? तुम्हें क्या लगता है मैं ये नाव क्यों भर रहा हूँ? ऑफिशियल रिपोर्ट्स में तुम्हें समुद्री पानी के बढ़ने के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। नया हीलियम का तूफान और धरती पे उसका असर, उसके बाद सब कुछ पानी में डूब जाएगा। तुम गैल्वेस्टन ही क्यों आए? यहाँ के लोग 3 बार बाढ़ से यहाँ किसी को बताओ कि पानी का स्तर बढ़ सकता है तो कोई तुम्हें पागल नहीं कहेगा। मुझे तुम्हारी याद आती है। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आई हूँ, इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम लोगों की मदद कर सकते हो। हमें जरूरत है तुम्हारी। हम कौन? तुम चले गए और तुम्हारे बिना कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन अब मैं उस मुकाम पे हूँ कि लोगों की मदद कर सकूं, और क्योंकि शायद अब तबाही के दिन दूर नहीं है, तुम भी मदद कर सकते हो।
तुम इतने सामान के साथ कितनी दूर जाओगे? मतलब इतना सामान खत्म होने से पहले तुम कहाँ तक पहुँच पाओगे? मेरे पास इतना ईंधन और खाना भी है कि जितना दूर चाहूं जा सकता हूं। जहां तक बात है मेरे पास कितना वक्त है वो मुझे नहीं पता पैम। हम सबके पास कितना वक्त है? तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता जॉश। इस धरती के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। तुम बहुत बहुत अच्छी हो और तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो। अब तुम यहां हो मेरे सामने और मैं तुम्हें देखना भी चाहता हूं। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं नहीं कर सकता, माफ कर दो। मैं नहीं कर सकता प्लीज। अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143life.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। जॉश, जॉश, कार में बैठो। इससे तुम्हें सुरक्षा मिलेगी? तुम पागल हो गई हो। हम 13 फीट की ऊंचाई पर हैं और तुम्हारे पास 60 सेकंड हैं। और पॉकेट का क्या होगा? उनकी चिंता मत करो, मैं ये रस्सी खोलता हूँ, तुम ऊपर का हैच खोलो। और तुम जॉश? मेरी चिंता मत करो, मैं तुमसे बोर्ड पर मिलता हूँ, जाओ। छुरी खो दी। तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ शायद नहीं डॉक्टर कशिन। तुम बदल भी नहीं सकते जॉश, तभी सब अच्छा था जब तुम मेरे साथ काम नहीं करते। हाँ बिल्कुल, दूसरे ऑफिस से तुम पे लाइन मारने में मजा जो आता था। तो अब क्या तुम मेरे साथ काम करोगे कैप्टन? हाँ 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 शायद। जॉश तुमने मुझे बचाया, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें खोके तो मैं आज भी नहीं जा सकता। तुम मुझे झेल सकते हो? ठीक है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे? मैंने तो ये सब पहले ही कहा था। हाँ लेकिन अब हम क्या करेंगे? अभी? हाँ अभी। बर्फ पिघल रही है, पूरी दुनिया टूट के बिखर रही है, सब बर्फ पानी हो जाएगा। जिस आदमी को मैंने प्यार किया था वो इसका बचाव जानता है। ठीक है, हम रक्षा कर सकते हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे और फिर हम बॉर्डर चले जाएंगे। वो समुद्र तल से ऊपर है और सेफ भी। मतलब तैर के दूर जाओगे जरूर। तुम्हें इसे बड़ी नाव बनानी चाहिए थी। हाँ लेकिन टेक्सास में 6 अंकों की सैलरी कमाना मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा कठिन है, मेरे पास काम नहीं था। तो हाँ ये गलती किसकी है? पैम, इंजन बंद करो, यहाँ कुछ लोग हैं। ये इसे पकड़ के यहाँ आइए।
उस रिंग को पकड़िए। मेरा मेरा कंधा पकड़ो, कंधा पकड़ो, कस के पकड़ो मुझे। Come on, come on। जोर से पकड़ो, छोड़ना नहीं। शाबाश, शाबाश, थोड़ा और, शाबाश। क्या और कोई है? नहीं, हाँ। कोई और नहीं बचा है। अच्छा, अंदर चलो, अंदर चलो। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं कौन हमारी मदद करता। चिंता मत, you are brave। तुम ठीक हो? हाँ, हाँ, हम सुरक्षित हैं। चलो मॉम, शुक्रिया। जाइए, शुक्रिया। अंदर जाइए, अंदर। कुछ और लोग भी हैं, उधर देखो। हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मुझे नहीं पता, बस मदद कर रहा हूँ लोगों की। मेरे पास खाना है? थोड़ा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। या, come on, आराम से आ जाओ। आराम से, आराम से। मैं ठीक हूँ। come on, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो ना? शुक्रिया। You are safe। सर, उस रिंग को पकड़कर इधर आइए। अपना पैर उस रिंग में। क्या? आपका पैर डालिए उस रिंग में। मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। वो रिंग, वो गोल रिंग। मेरे कान खराब है, मुझे ही जाना पड़ेगा। क्या मैंने तुम्हें इसे चलाने की परमिशन दी है? वो मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है तो मैं। चलो उठो, ये तुम्हारा घर नहीं है लड़के। क्या बिना मतलब तुम पावर बर्बाद कर रहे हो? सॉरी दोस्त, नाराज क्यों हो रहे हो? खुद की थोड़ी अक्कल लगाओ। ओ, वो उड़ गई। वो मेरी लकी हैट थी। वैसे भी लक साथ नहीं दे रहा है अभी तुम्हारा। लो, उड़ गया, खुश हो? तो अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसे कुछ होने वाला है? मैं USGS में एक वैज्ञानिक हुआ करता था। मैंने अपने सीनियर्स को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लेकिन क्या हुआ? फिर मैंने खुद एक नाव बना ली। क्या तुम लोगों के कान बज रहे हैं? हो सकता है, हवा का दबाव बदल रहा होगा। ये बड़ा अजीब है। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अभी अभी। सर, सर, अंदर, अंदर चलो, चलो अंदर सभी लोग, अभी अंदर चलो। बहुत दर्द हो रहा है, खतरा है, बाहर निकल रही है। अंदर चलो, बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? निकल रही है। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो रहा है ये सब? सब ठीक है? ठीक है, अब तुम ठीक हो? ये जलना मामूली नहीं है। मैंने बचपन में फर्स्ट एड की क्लासेस ली थी। मैं कुछ कर सकती हूँ? ये लो, देखो, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो। क्या कि नहीं नहीं, रुको, तुम्हारी भी हालत ठीक नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वाह, थैंक यू। बात है, नीचे कैसा चल रहा है सब? जॉश, तुमने सनस्क्रीन क्यों नहीं लगाई? हाँ, इस धरती पे इतने सनस्क्रीन नहीं बने होंगे इसे रोकने के लिए। तुमने देखे हालात? इट्स नॉट सेफ। चलो, तुम्हें नीचे चलना होगा। नीचे जाऊंगी तो खतरे का पता कैसे चलेगा? आकाश देखो, ये ग्रे है ना? मुझे तो लगा ये सब बादल है। ये बादल नहीं है, ये हमारी सांस लेने वाली हवा है जो इस वातावरण से बाहर जा रही है, समझी तुम? नहीं, इतनी जल्दी कैसे? हो सकता है ये बस यहाँ पे ओजोन में छेद हुआ होगा, लेकिन अगर अभी के ओजोन परतों की बात करें तो ये 50% पतला है आज से, समझी? ओजोन की परत में छेद मतलब? मतलब हमारा वातावरण और उसकी हवा स्पेस में जा रही है। शुरू में सब धीरे धीरे होगा, लेकिन बाद में सब तेज हो जाएगा और इसको हम रोक नहीं सकते। क्या, तुम्हें तो ये सब पता था ना? तुम्हारे पास तो प्लान था ना? हाँ, तो बहुत सारी चीजें हुई ना पैम। अब मेरे पास एक नाव है, सवारियों से भरा हुआ। सकते हैं ब्लैक होल धरती के दूसरे तरफ? मुझे नहीं पता। मेरा यकीन करो, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। सच में मुझे नहीं पता, सच में। ठीक है, ऐसी बातें मत करो ना। मुझे ना किसी और को ये बातें सुनने में इंटरेस्ट है। इस धरती की तुम आखिरी उम्मीद हो जॉश, मुझे तुम पे विश्वास है। तो आप तुम्हें मुझ पर विश्वास? मैंने तुम पे अविश्वास कभी नहीं किया। मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट के सामने बोलने का मौका दिया जॉश। मैंने अपना करियर दांव पे लगा दिया और तुम मुझे छोड़ के चले गए।
ये बिल्कुल गलत है। ओह अच्छा, मैं अब भी उसी पुराने घर में रहती हूँ, मैं अभी भी वही पुराना जॉब करती हूँ, मेरा वही पुराना दिनचर्या है, लेकिन तुम आगे बढ़ गए, मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुम्हें हर रोज याद करता था, हमारे बारे में, हमारे बच्चे के बारे में, जो कभी नहीं हो पाए। तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते थे कि हमें तो पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। कमाल करती हो तुम भी, ये सच है। याद है तुमने मेरे पेपर के बारे में क्या बोला था? मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम उस बारे में बात करोगी। तुम्हारे अलावा उसे किसी ने नहीं पढ़ा था और तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मुद्दे से भटका हुआ पेपर था। तो ये है वो आदमी जिसे मैंने प्यार किया था। Come on, तुम ये कर सकते हो। ये बस टुकड़े में नहीं है, मैं अकेले नहीं कर सकता ये। नहीं, तुम अकेले नहीं कर सकते। तो मैं अभी उसे ब्रुकहेवन और आरएचएसी से जोड़ दूंगी। लॉन्ग आइलैंड? हाँ। क्या वहाँ पर कोई है जो फायरिंग सीक्वेंस को रिप्रोग्राम कर सके? तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत पीएचडी है। और उसके बाद मैं सर्न जाऊंगा तुम्हारे बिना। अगर इस नाव से तुम वहां पहुंच जाओगे तो बिल्कुल जाओ, फतेह तुम्हारी होगी। मैं जाके लोगों को सिचुएशन बताती हूँ। सोच समझ कर दुआ करना। हमें ब्रुकहेवन जितनी जल्दी हो सके पहुंचना होगा, नहीं तो पूरी धरती खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा। हमें पूरी दुनिया को बचाना होगा दोस्तों। जब तुमने मुझे वहां पानी से निकाला था तो तुमने कहा था कि मुझे सूखी जगह पर जल्द से जल्द पहुंचाओगे। कहा था, लेकिन हिमनाथ का यूं पिघलना और टेक्टोनिक प्लेट्स का अपनी जगह बदलना, हमें नहीं पता कि सूखी जगह कहां पर है असल में, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसे ढूंढने में लग जाएं दोस्तों। जब तुमने मुझे वहां से निकाला था तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सूखी जगह पर जल्द से जल्द लेके जाओगे, क्योंकि लॉन्ग आइलैंड सबसे ऊंचाई पर बनाया गया था और ऐसे बनाया गया था कि पार्टिकल कोलाइडर नेचुरल डिजास्टर से बच सके। ये त्रासदी अप्राकृतिक नहीं दैविक लगती है, जैसे ऊपर वाले का प्रकोप हो। सच में सूरज में तूफान आया और तुम टैन हो रहे हो। मैंने सोचा मरने से पहले क्यों ना थोड़ा रंगीन हो जाऊं। ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम्हें ओजोन का भी डर नहीं लगता? बस 5 मिनट के लिए बाहर बैठना चाहता था, और वैसे भी अर्ल ने बोला कि वो शिप देख लेगा, और अगर आसमान फिर से ग्रे हुआ तो हमें बता भी देगा। तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत कमाल का है? तुमने प्लान किया और सब कुछ अपने पास रखा, नीचे 10 लोग जिंदा हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं भी, तुम जानती हो हम तो साथ में अच्छे लगते ही हैं। तुमने हमेशा मुझे अनदेखी संभावनाओं को दिखाया। अगर मुझे अपने कल को बदलने का मौका मिले तो मैं 4 चीजें बदलूंगा। जब मैं 7वीं में होता तब मैं कॉन्डम चुरा। तुम्हें पता है शायद मेरे पास अब भी एक बहुत पुराना वाला आदम जमाने का पड़ा है। सच में? हाँ, मैंने कभी एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की। अच्छा, तो तुमने चीटिंग की कैसे थी? बाथरूम में किताबें छुपा के। वाओ। या, वाओ। या, मैं देखो मैं शब्दों से खेलना नहीं जानता, लेकिन शायद इतने सारे ये रेडीमेड मीट ऑर्डर नहीं करता। हाँ, और मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। ब्रुकहेवन पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? हम बहुत सही रास्ते पर चल रहे हैं, और जैसा कि मेरा कैलकुलेशन कहता है और जैसा कि मैंने कंपास में देखा, लगभग 1 दिन और। क्या अब बहुत देर हो चुकी है सॉरी बोलने के लिए? क्यों ना हम पहले दुनिया को बचाने का काम करें, उसके बाद तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। पता है,
मैं इस ब्लैक होल में अकेले कैद रहा 3 साल के लिए। ये डरावने सपने जैसा था, अकेला और तुम अचानक आ गई, और फिर से मुझे खुशी का एक प्यारा सा एहसास हो जाता है। इसलिए तुमने भी मेरी जान बचाई है, ठीक है? ज्यादा देर बाहर मत रहना। अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओ अच्छा, मम्मी क्या मैं तुम्हारे फोन में गेम खेल सकता हूँ? बोलो। बेटा मैं सो रही हूँ, मुझे सोने दो रोनी। लेकिन मुझे तुम्हारे फोन में गेम खेलना। अच्छा, रुको, ये लो, ये भीग गया है और ये काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है? समझे? समझ गए ना? हे, इसे डांटिए मत। हे दोस्त, कैसे हो तुम? क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? मुझे ना इस रस्सी में कुछ गांठें लगानी है और मुझे इतनी पतली उंगलियां ही चाहिए। करोगे मदद? आप आराम कीजिए। हाँ चलो। अभी इसकी तबीयत कैसी है? हाँ शायद जान नहीं जाएगी, किस्मत की बात है। बेस्ट ऑफ लक। सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। हे मेरे दोस्त, अब क्या तुम लोग कैंपिंग करते हो? नहीं, मैं पानी में करता हूँ। क्या? वो क्या है ना, राफ्टिंग के बहाने मैं बीवी से दूर रह सकता हूँ। क्या मतलब है, ये सब क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। सब सोच के आए हो कि नए लोगों से दोस्ती? इसके कहने का मतलब कुछ गलत नहीं था। तो तुम दिलचस्पी क्यों ले? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम लोगों की मदद करना चाहता था। ठीक है, शांत हो जाओ दोस्त, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? फिल। तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहा हूँ, सच सच में मेरा नाम फिल है। पक्का? हाँ। ठीक है फिल, चलो तुम शांत हो जाओ, मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? बस पकड़ लिया, लेकिन नीयत गलत नहीं थी, गलत मत समझना। नहीं अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सीक्यू को कॉल करो, सीक्यू को कॉल करो। मैं पैम क्यूशिंग, नोवा की स्पेस डायरेक्टर। कोई फिक्स स्टेशन या डिसिपेटर जल्द रिस्पॉन्ड करे प्लीज। कॉपी। सीक्यू को कॉल करो, सीक्यू को कॉल करो। मैं पैम क्यूशिंग, नोवा की स्पेस डायरेक्टर। 20 मेगाहर्ट्ज़। कोई फिक्स स्टेशन या डिसिपेटर जल्दी रिस्पॉन्ड करे प्लीज। कॉपी। चाकू छुरी रॉड जो मिले ले लीजिए, नाव के चारों तरफ सब तैनात हो जाइए। हम बिल्डिंग्स और घरों के ऊपर तैर रहे हैं, हम किनारे से बहुत दूर हैं। अगर हमने किसी छत या दीवार को टक्कर मार दी हम डूब जाएंगे। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं चाहता हूँ कि लोग नाव के आगे पीछे तैनात रहें, अगर उन्हें कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी, तो नाव का रास्ता बदल दें, नहीं तो सब मारे जाएंगे। ठीक है, समझ गई। अरे तुम्हारे नाव में तो चप्पू था ना? हाँ बिल्कुल, हम उन दोनों को एक साथ बांध सकते हैं ना? बढ़िया,
फिल और ग्रेग, ध्यान रहे ये काम अच्छे से हो जाए, ठीक है? कम ऑन रॉब, तुम दोनों एक रॉड लो और ऊपर जाओ। मैं चप्पू को इससे काम बन जाएगा। ठीक है, nice. अपनी आंखें खुली रखना कि हम किसी से टकराए नहीं, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलो जल्दी जाओ। चलो गॉड, ये क्या हो रहा है? मिल गया, हम कम्युनिकेशन बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे हैं, ध्यान देना दोस्तों। हम लोग स्टार बोर्ड से लगभग 1.5 मील की दूरी पर हैं। लगता है वो लोग मुश्किल में हैं। इसे इधर से चिपकाओ। हाँ, तुम उधर से पकड़ो। ठीक है। वाओ, देखो संभल कर। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे जिंदगी का सवाल है। जानता हूँ, मैं उसी कोशिश में लगा हूँ। हे भगवान, मुझे बाहर जाना होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा करना ठीक होगा। मुझे पता है यही सही है। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां रहो जब वो बिल्डिंग टूटे, इसलिए मुझे उसे टूटने से रोकना होगा। अब माफ करना, किसी और को हम इजाजत नहीं, नहीं दे नहीं, रहे नहीं। मैं पैम कुशिंग हूँ, स्पेस वेदर की डायरेक्टर, नेशनल ओशिनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ का इंचार्ज कौन है? यहाँ का इंचार्ज बिल है, जो नीचे कैंटीन में बैठा है। हमारा कनेक्शन कट चुका है मैम। बिना कनेक्शन के और बिना ऑर्डर के हमारे पास कोई भी पावर नहीं है। हमारे सर्जेंट है, वही सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया सोल्जर। अपने सर्जेंट से प्लीज कह दीजिए कि मेन एंट्रेंस में ज्यादा से ज्यादा सैनिक यहाँ मैं और ये है, बाकी सब ठीक है। 4 मिनट के अंदर जितने भी ज्यादा सक्षम लोग आ सके, जितनी जल्दी हो सके प्लीज, जल्दी। बिल, तुम अभी यहाँ आ जाओ जल्दी, और बाकी सब लोगों को भी ले आओ। यहाँ पर कोई है जो बहुत गुस्से में है, पता नहीं कौन है वो। दो दो लोग करके यहाँ आइए, बस आप ही दुनिया बचा सकते हैं। सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाइए, हमें इस जगह को डूबने से बचाना है। हमें कैसे भी करके इस जगह को डूबने से बचाना होगा, क्योंकि अगर इन कंप्यूटर से पानी चला गया तो सब खत्म। लेकिन हम बचाएंगे कैसे? मेरे पास काफी डीजल है, हम फ्रांस तक जा सकते हैं, लेकिन उसी रास्ते में मुझे सर्न भी जाना होगा। इस जगह को डूबने नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी और मौत का सवाल है हमारी धरती के लिए। अगर इसे बचाना है तो हमें 3 से 4 लोगों की जरूरत होगी। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं बुरा मत मानो, लेकिन ये आत्महत्या है। ये तो अटलांटिक महासागर के सामने एक दीवार बनाना चाहते हैं, और ये बस एक बेवकूफी है। उसने क्या कहा कि 3-4 लोगों की जरूरत है ना? तो 1, 2, 3 सो 4.5 लोग। चलो बेटा। क्या आप अपने बच्चे को इसमें शामिल करना चाहती हैं? इस बोट में आना ही हमारा शामिल होना था, इसलिए मैं शामिल करना चाहती हूँ। आओ बेटा। अच्छा ठीक है, हाँ मैं समझ गई। हाँ ठीक है, सन पहुंचने के बाद ये पानी के अंदर की तार हमारे बात करने का जरिया बनेगी, लेकिन क्या तुम वहाँ सुरक्षित पहुंच पाओगे? हाँ, मतलब कम से कम हमारे पास 37 दिन तो हैं। सुनिए, मिस्टर विल्करसन यहाँ आने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। हमें अलग अलग टीम बनानी होगी। एक टीम हमारे बोट से आ रही है, मुझे ज्यादा से ज्यादा टीम चाहिए जो रेत की बोरियों से चबूतरा बना सके। ये दीवार हमें कम से कम 60 फीट तक खड़ी करनी होगी, क्या इतना काफी होगा? हाँ, 60 फीट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर टेक्टोनिक प्लेट्स हील हो गई तो हम रमापो फॉल्ट जोन में चले जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, कम से कम इन हालातों में तो बिल्कुल नहीं। अगर
अगर हमने दुनिया बचा ली तो मैं फिर से शादी कर लूंगी, क्योंकि अब हम साथ में काम नहीं करते हैं। मेरी पत्नी का ध्यान रखना प्लीज। दोस्तों ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, चलो ध्यान से करो जल्दी। इसके चारों तरफ चबूतरा बनाना होगा। ए, ध्यान से काम करो, ये डूबना नहीं चाहिए, ठीक है? आयन कैनन ऐसे बनाया गया है कि वो पैरेलल चलती है, और है यही हमें चाहिए भी, लेकिन आमतौर पर आप बस दो पार्टिकल लेते हैं जो एक दूसरे से उल्टी दिशा में चलती है, और फिर वो एक निर्धारित वक्त पर एक जगह पे दूसरे से टकराती है। हमें कैनन को फिर से शुरू करना होगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स मिल सके, और हर एक पार्टिकल की गति पिछले से ज्यादा हो, और इस तरह सिर्फ दो पार्टिकल को एक साथ टकराने की जगह हम हजारों को टकराएंगे, शायद करोड़ों को टकराएंगे या उससे ज्यादा। तो थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के मुताबिक क्या हम एंड्यूरिंग सिंगुलैरिटी पैदा करने वाले हैं? हाँ, और फिर हम उसका पावर कट कर देंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ चलो। वाओ, अगर ये ऐसे ही सीखता रहा तो इसका भविष्य क्वांटम फिजिक्स में बहुत अच्छा है। हाँ, अगर हम बच पाए तो। हे, ऐसे हार मत मानो। मुझे पता नहीं भगवान है, कर्मा है, या कोई चमत्कार होने की बस आशा है। मैं कर्मा और भगवान में विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं चमत्कार में विश्वास करती हूँ। मैं तुम्हें चमत्कार के बारे में बताती हूँ। मेरा बेटा, मेरे पति और मैं घर का सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, जबकि ये सुनामी आई कोसों दूर। हम तो सामान खरीदने के लिए गए थे, इसलिए मैंने पानी से बचने का सामान पास में नहीं रखा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यह बहुत अच्छा तैराक है पता है, लेकिन ये भी डर गया, इसने मुझे बहुत जोर से पकड़ रखा था। जब मैं पानी के सतह पर आई तो मैं अपने पति को कहीं देख नहीं पाई, मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं देख पाई, मैंने उसे खो दिया। छुओ मत मुझे। उसे तुम पर विश्वास था, उसे नहीं पता था वो क्या कर सकता। मुझे भी नहीं पता था क्या करना चाहिए, हमें अब भी नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं ऐसे नहीं जी सकती। वाओ, ये तो कमाल का है। रॉन, तुमने ये कहाँ से सीखा? अगर आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज, वेब सीरीज, टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में।
कैसे जोश? हाय। मुझे फिर से समझाओ, नाम कुछ ऐसा है, बाव, एफ्ट, पोर्ट, साबुन? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये क्या चीज है? ये है MINS नेविगेशन सिस्टम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में हमारी मदद करता है। कमाल है, क्या ये आवाज करता है? कैसे पता चलता है? ये जायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर्स का संयोजन है, जिसमें इनर्शियल नैव सिस्टम की मदद से धरती पर हमारी एकदम सटीक लोकेशन का पता चलता है, GPS सिग्नल या धरती के मैग्नेटिक फील्ड के बिना। देखो, बस हमें एक अगली मंजिल का चुनाव करना होता है, और ये आविष्कार हमें सही दिशा में ले जाता रहता है, और इसलिए मैंने रडार को भी अपग्रेड कर दिया है। ये बहुत ही कमाल है। हाँ, और ये बहुत महंगा भी है, इसलिए ये आमतौर पर बोट या प्लेन्स में नहीं पाया जाता। क्या हम उतनी दूर जा सकते हैं बिना ईंधन के? अगर हवा की दिशा ने हमारा साथ दिया तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। पर्याप्त? चलो रास्ता खाली करो। भाई और बहनों, तो हमने अभी सागर पर 60 फीट की दीवार बना ही दी। पीछे हटो, चलो चलो। सब ठीक है? बच गए। हम बच गए। मार्जोरी, पावर कट कर दो, जल्द से जल्द पावर कट कर दो। हेलो, पावर खाता बिजली से दूर रहना। तू पावर कट कर दो जल्दी, 3 लोगों की जान चली गई है और 7 फंसे हुए हैं। तुम यहीं पे रहना, ठीक है बच्चे? ठीक है। ओ नहीं, मार्जरी, क्या हुआ यहाँ पर? पानी के बहाव से बिजली का खंभा नीचे गिर गया और कुछ लोगों को करंट लग गया। मार्जरी, मार्जरी, क्या तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाए। शांत हो जाओ, ठीक हो ना? तुम ठीक हो, तुम शांत हो जाओ, तुम ठीक हो? तुम सभी को कंट्रोल रूम जाना चाहिए, रॉन वहीं पर है, उसे कुछ मत बताना, मैं आकर बता दूंगी। पर तुम कहाँ जा रही हो? पावर नहीं है। पता है, हमने कट करवाई क्योंकि जान जा सकती थी। हाँ, और सारे करंट समुद्र के पानी से ही यहाँ तक आ रहे थे, वो हमारी आखिरी उम्मीद थी। हेम्पस्टेड में एक कोल और गैस का बर्निंग स्टेशन है, और उनका कोई सबस्टेशन जरूर आसपास में कहीं है। मैं उसे यहाँ से कनेक्ट करने वाली हूँ ताकि फिर यहाँ पर पावर कट ना हो। क्या तुम उसे डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली हो? हाँ। देखो, मैं सेना में इलेक्ट्रिशियन था, ठीक है, मानता हूँ ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन मुझे ये सिचुएशन संभालनी। क्या तुम सच में इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो? इस छोटे बच्चे की जिम्मेदारी तुम पर है, और उसके अलावा मैंने जोशुआ से वादा भी किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। Oh.
हम गति कम कर रहे हैं। जोशुआ ये क्या हो रहा है? पानी अंदर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? हम डूब रहे हैं। क्या बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पर, क्या हो रहा है? डूबने की शुरुआत ऐसे ही होती है। पानी बहुत ज्यादा अंदर आ चुका है, बिजली जा चुकी है और जहाज का निचला हिस्सा भी टूट रहा है। फिर हमें यहाँ से पानी बाहर निकालने का बंदोबस्त करना होगा। ठीक है, तुम्हें फिल की मदद करनी होगी और मैं हुए इस छेद को भरने की कोशिश करता हूँ। ग्रेग मैं नीचे जाता हूँ, मैं काम शुरू करता हूँ, तुम मदद करो। ग्रेग बस तुम पानी को बाहर निकालने का काम करो, ठीक है? ओके संभाल कर इसको पकड़ो। हाँ यहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है? संभाल के, ठीक है, संभाल के। चलो पंप करो, पंप करो, पंप थोड़ा जोर लगाओ। क्या तुम ठीक हो? ये सही नहीं होगा, सारे टुकड़ों को इस्तेमाल करना होगा। बाद में मिलते हैं दोस्त। मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया। शुक्रिया। तुम्हें पता है इस आकार को क्या कहते हैं? स्पाइडर? हाँ, जब मैं छोटी थी मुझे भी ऐसी चीजें बनाना बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा बड़ी होकर इंजीनियर बनूंगी। फिर मेरे पापा ने मेरे लिए टेलीस्कोप खरीद दिया और मैं सितारों में खो सी गई। क्या तुम्हें सितारे देखना पसंद है? रॉन बेटा, तुम्हारी माँ एक एक्सीडेंट का शिकार हुई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम समझ रहे हो? वो तुमसे बहुत प्यार करती थी रॉन, और वो हमेशा चाहती थी कि तुम खुश रहो। मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम उनका नाम रोशन करना, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाकर और बड़ा आदमी बनकर, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां पर है और तुम कहां हो, वो तुम्हारे दिल में हमेशा रहेंगी। समझ रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? तो शायद लीक ठीक हो जाएगा। मेल, क्या बहन तुम ठीक हो? हम भीगते जा रहे हैं। देखो मैं ये छेद ठीक करने की कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन नाव में पहले ही बहुत ज्यादा पानी आ चुका है, इसलिए हमें नाव का वजन कम करना होगा। अगर हमने ये वजन कम नहीं किया तो हमें कम से कम 800 पाउंड कम करना होगा। कोई और भी तो रास्ता होगा हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, हम वैसे भी 3500 मील ही आए हैं, हमें एक दिन में वहाँ पहुँचना होगा। तुम्हें पता भी है हम जा कहाँ रहे हैं। सब बातें करने का वक्त नहीं है, अभी सबके सब काम पे लग जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। क्या हमें खाना भी देना है? चुप करो, चुप करो, मैं नहीं होने दूंगा, कोई खाने को नहीं फेंकेगा। ओके,
वो ये मेरी नाव है, मेरा खाना। ठीक है नहीं फेंकेंगे। हम खाना नहीं फेंकेंगे, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। पागल कहेंगे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, जिसने तुम्हारी जान बचाई और तुम इसे ही गोली मार रहे हो। ग्रेग, अब से ग्रेग ही इंचार्ज है। पागलपन है, ये हमें क्या बता सकता है। नहीं, बस यही इंचार्ज है, अब मैं इसके ही आदेश पर आगे बढ़ूंगा। बताओ तुम क्या करना चाहते हो। हम खाना नहीं फेंकेंगे। लेकिन तुम नाव को कैसे बचाओगे। जैसे तुमने कहा वैसे ही सामान फेंकना शुरू करो, लेकिन खाने का सामान नहीं, सारे फालतू सामान। ठीक है ठीक है, लेकिन अगर उससे बात नहीं बनी तो सब फेंक दो। मेरा कंप्यूटर, मेरी सारी चीजें, इसके बिन में रखी हुई सारी चीजें, सब सब फेंक दो। जोश, तुम्हारा खून बह रहा है, पहले इसे दबा के रखो वरना खून बहेगा तो बेहोश हो जाओगे, जान भी जा सकती है। इस केबिन की, इस केबिन की सारी चीजें फेंक दो। कम ऑन गाइस, सब पे लग जाओ। कम ऑन गाइस, निक चलो, कम ऑन, मेरा इंतजार मत करो, चलो कम पे लग जाओ। आगे क्या करना है, इंजन का क्या, क्या हम उसे फेंक सकते हैं। फेंक सकते हैं, वैसे भी वहां पहुंच चला एक इंजन तो है नहीं, वजन कम करना है। यही पैम की चीजें शायद तुम्हें चाहिए हो। एक्सक्यूज मी, हमें कुछ और कदम उठाना पड़ेगा इससे कोई। अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। फायदा नहीं हो रहा है। फेल, बाथरूम से बाहर आ जाओ। फेल, सब लोग सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन एक टीम की तरह काम करना होगा, बिना साथ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा सुनो, अच्छा अगर हम बस इतना खाना रखें तो बस जमीन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तुम इंचार्ज हो। ग्रेग और मैं मिलकर बताएंगे कि कितने खाने फेंके जा सकते हैं। फिल और निक, तुम्हारा काम है नाव से पानी को बाहर निकालना, और मॉली तुम वो सब इकट्ठा करो जो नाव से बोल्टेड नहीं है। मुझे माफ कर दो दोस्त, इसके लिए यह ए, सब ठीक है। हाँ हाँ, मेरी तरफ से सब तैयार है, बस इतना बताओ कि मैं इन्हें कोलाइडर से कैसे कनेक्ट करूं बिना शॉर्ट सर्किट के। हम 5 मील की दूरी के अंदर विकी पहुंच गए, वहाँ के स्टेशन पे जहाँ पे 160 मेगावाट्स की बिजली है। इस लाइन के माध्यम से वहाँ पर जाने के लिए हमारा काम बन चुका है। अब ये मत पूछना कि इस बाढ़ग्रस्त इलाके में से मैंने ये रास्ता निकाला कैसे। हाँ, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं वकील। हाँ, वकालत का पेशा तुम्हें शोभा भी नहीं देता। यस, सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे, कैसे हो तुम, इसे खेलना चाहोगे। मेरे फोन में बहुत ज्यादा गेम्स तो नहीं है, लेकिन देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं आता। शायद तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या सोच रहे हो। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ना कभी कोई करेगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है रॉन। रॉन, हे,
क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम हाँ कर दोगे तो, प्लीज। ओके ओके, तो ये वादा रहा पक्का। हे वहां जमीन दिख रही है, हे देखो वहां। सॉरी, हम हैं कहां? फ्रांस में, एल्प्स के निचले हिस्से में, बिना मिंस नेविगेशन के या एक कंपास के मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहां पर भी लगता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा होशियार चलो, आराम से। लगता है जैसे पुराना होटल हो। खंजर, ग्रेग कहां चला गया होगा? कुछ कह नहीं सकता। हम जिस जगह पे हैं उसका नाम है लारवोर। अगर ये गाड़ी चल जाए तो सबको यहां से निकाल सकता हूं। अगर इस टूटे हुए कार से तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे का प्लान क्या है प्रोफेसर? सन तक पहुंचो, कैसे भी, चाहे जैसे भी हो। जब आखिरी बार मेरी सन के डेप्यूटी डायरेक्टर से बात हुई थी डॉक्टर जेकरी, बात कुछ बनी नहीं थी। क्यों, क्या उन्हें तुम्हारी बात पसंद नहीं आई? कुछ ऐसा ही। चलो उम्मीद करते हैं उसे अब पसंद आ जाए। उम्मीद ही कर सकते हैं। जोश, हम कितने मीटर ऊंचाई पर हैं? ये लगभग 1600 फीट ऊंचा है। अभी हमारे लिए सुरक्षित जमीन पर होना जरूरी है। वैसे भी जल प्रलय से सब डूब गया है। जब ध्रुव पिघलने लगे तो समुद्री स्तर 260 फीट से बढ़ गया। लेकिन पता है क्या, फ्रांस का 800 फीट अगर पानी के अंदर चला जाए मतलब गुराशिन प्लेट का हेल्वेटिक जोन मेडिटेरेनियन में डूब रहा है। हम जानते हैं ये कब रुक सकता है। अगर रुका तो हमें सन पहुंचना होगा। रोको, यार ये गाड़ी चेक कर। तुम लोग में से कोई जाकर इससे बात करो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप किसी को भेजिए। नाइस। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे दमा की बीमारी है और मैं इनसे बात भी नहीं कर सकता। Excuse me, मैं डॉक्टर जोश चैम्बरलिन हूँ। रुको, नहीं रुको। मैं जियोलॉजिकल सर्वे अमेरिका के साथ काम कर चुका हूँ। मैं डॉक्टर मार्क जिक्री से मिलना चाहता हूँ। सर्न के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर मार्क जिक्री, प्लीज मुझे मिलिए, बहुत अर्जेंट है। मैं जब तक डेप्यूटी डायरेक्टर जिक्री से बात नहीं कर लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
डॉक्टर जिक्री प्लीज। ये इनकी गाड़ी चेक करो। डॉक्टर जिक्री यहाँ पे कोई तमाशा मत करो और सीधे से निकल। हमारी बात नहीं मानेगा प्रोफेसर। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर मार्क जिक्री से नहीं मिल लेता। प्लीज एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। शांत हो जाओ गोरे, शांत हो जाओ, जल्दी आओ। सुनो सुनो, उन्हें छोड़ दो। डॉक्टर चैम्बरलिन, डॉक्टर जिक्री, क्या आप हैं? इस बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। सुनो सुनो, उन्हें छोड़ दो। माफ करो, ये हमारा काम है। दूसरी भाषा ना जानने से ऐसा ही होता है। डॉक्टर जिक्री, आप कैसे? मैं तुम्हारी वो डॉक्टर कुशिंग के साथ कांटेक्ट में था और जब मैंने तुम्हें सिक्योरिटी कैमरे में देखा तो मुझे लगा कि मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। सही समय पर आया। क्या आपको एक डॉक्टर की जरूरत है? नो। क्या क्या आप ठीक है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ इनके ट्रक का क्या करना है? आपके ट्रक का क्या करना है वो बताइए। पार्क कर दो। हाँ बिल्कुल, गाड़ी पार्क कर। पामेला ने मुझे तुम्हारे काम की सारी डिटेल्स भेजी कि कैसे तुम पार्टिकल कोलिंस के पावर को बढ़ा सकते हो। सच कहूं तो ये कमाल का है। थ्योरेटिकल मॉडल्स के अनुसार दोनों कॉरिडोर्स के पोटेंशियल में 2000 से 2 लाख वोल्ट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या तुमने लीनियर कोलिजन मॉडल के बारे में कुछ सोचा है? तुम्हें फॉकर का इस्तेमाल करना होगा। प्लैंक इक्वेशन और क्या। हम बात कर रहे हैं प्लैंक के एनर्जी लेवल कोलिजन की, जो कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी रेवल कर सकती है सब क्वार्क लेवल पे। हाँ बिल्कुल। ये सब हमें कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया जा सकता। डॉक्टर चैम्बरलिन, जब आपने अपनी चिंताओं को हमारे सामने रखा तो मैंने अपनी ओर से उसे बर्खास्त कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। थैंक यू डॉक्टर। जहां वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर कुशी, डॉक्टर चैम्बरलिन, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम अब भी चमत्कार में विश्वास रखती हो? हाँ, अगर नहीं करती तो मैं जीनियस कैसे बनती? हमने यहाँ एक जान खो दी है, लेकिन हमें एक बहुत प्यारा रिश्ता मिल गया है। हे रॉन, जॉश को हाय बोलो। हे जाओ, तुम जाओ टॉम से बात करो। 160 मेगावाट पावर सोर्स को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है और RHIC को शुरू करने में भी हमें काफी तकलीफ आई है, लेकिन ये नॉन लीनियर कोलिजन ऑपरेटर है। तुम ऐसा ही सोच रही हो ना? तुम और फिर हम आयन कैनन्स को खत्म कर देंगे सिंगुलैरिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सुनने में ये नामुमकिन लगता है ना, लेकिन तुमने मुमकिन कर दिखाया। पैम, शायद मैंने आज तक कभी तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। अगर हमने जल्दी काम शुरू नहीं किया तो कभी बता नहीं पाओगे। अब चलो, इक्वेटर पे मैग्नेट सिफर का माप है कुछ 1 माइक्रो टेल्सा, इसमें गिरावट आती ही जा रही है। आखिरी CME के बाद से सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी की फीड बहुत सही नहीं आ पा रही है, लेकिन उन्होंने जो भी जानकारी दी है वो बहुत खतरनाक है। दूसरा शौर्य तूफान धरती के वातावरण पर हमला कर सकता है। शायद यही समय है उस प्रोटोकॉल को शुरू करने का। डॉक्टर क्रशिंग, क्या आप तैयार हैं? तैयार हूं डॉक्टर चैम्बरलिन। लॉन्च द इनिशियल प्रोटोना मिशंस। अभी अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें।
आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। जब ये सारे अंक शून्य हो जाएंगे तो इन सबके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी और सब एक ही जगह पर होंगे। इनके बीच में टकराव होगा, तुम समझ सकते हो, जैसे दो कार टकराती हैं, बस कार की जगह बहुत ज्यादा गति में हमने प्रोटॉन का इस्तेमाल किया है और सिर्फ दो की जगह हमने लाखों करोड़ों प्रोटॉन इस्तेमाल किया है, लेकिन ये प्रक्रिया रुके ही नहीं, बस चलती रहेगी, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, वो फिल्मों में वो कार उड़ाना मजेदार होता है। सही कहा। वाह पैम, पैम क्या तुम ये देख सकती हो? ये क्वार्क क्लियोन प्लाज्मा है। हम लोग ग्लॉन्स को देख पा रहे हैं। ये तो कमाल है। हम ग्रेविटेशन डिस्प्लेसमेंट शुरू करने वाले हैं। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ग्रेविटी आ चुकी है, क्या तुम ये देख सकते हो? पैम, तुम सिंगुलैरिटी में पहुंच चुकी हो। हमें भी सिंगुलैरिटी मिल गई। अब बताओ ग्रेविटेशन की एग्जैक्ट रीडिंग क्या है? ये बढ़ रहा है, ये कमाल का है। ये दोनों फिनोमेना एक दूसरे का जैसे पूरक बन गए हो, चुंबक की तरह, दो ग्रहों के बीच चुंबकीय बल जैसा है ये। मुझे लगता है हमने कर दिखाया। स्क्रीन पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये फिर से शुरू हो रहा है। वो वापस आ रहा है। सुनो पैम, हमें सिंक्रोनाइज करना होगा, फिर बंद करना होगा और सिंगुलैरिटीज को न्यूट्रलाइज करना होगा। हाँ, मैं समझ गई। क्या हम आयन कैनन सन के साथ बंद कर सकते हैं? हाँ, शायद कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारे सिस्टम पे असर पड़ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नली जिसमें यह प्रक्रिया हो रही है पिछले 15 सेकंड में 30% बढ़ गई है, 50% अभी और बढ़ रहा है। ठीक है पैम, 3, 2, 1 पावर कट करो। मैं नहीं कर सकता, पैरल ओवरलोड हो गया है। सब लोग बाहर निकलो। पैम, मुझे सुन पा रही हो? टॉम, रॉन को लेकर बाहर निकलो, चलो जल्दी। क्या हार्ड वायर कनेक्शन को फ्यूज किया गया है? नहीं। चलो जल्दी निकलो। पैम, चलो जल्दी करो। लेकिन हमने तो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंटेनमेंट को बंद कर दिया। नहीं, कंटेनमेंट मैग्नेट को फिर से शुरू करो। अब शुरू नहीं कर सकते। ये कहां जा रहा है? लॉन्ग आइलैंड। अगर इसने बाहरी कोर को पहले छुआ और वहां के पिघले लोहे टकरा गए तो धरती नष्ट हो जाएगी। अब कुछ नहीं बचेगा। क्या करें? अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो दोनों ब्लैक होल एक दूसरे में समा जाएंगे। अगर ब्लैक होल अभी भी एंट्रोपी बाउंड में है तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉसिबल है। मुझे पुख्ता बात बताओ। मैं समझ गई क्या करना है। नहीं मैम, कंटेनमेंट फील्ड इतना मजबूत नहीं है कि सिंगुलैरिटी की ताकत से बच सके। जॉश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जॉश, निकलो वहां से। पैम, अभी क्या रीडिंग है? 800 मील, लेकिन वो बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है। अच्छा, वहां पर मेंटल लगभग 1800 मील गहरा है, उसे सिंगुलैरिटी अभी बंद करनी होगी। अगर वो बंद नहीं कर पाई तो
ब्रुक हेवन अब ऑफलाइन है 2 मिनट से। सोलह सौ पचास मील पीछे हटो। तुम ये क्या कर रही हो? तुमसे कहा ना पीछे हटो। 1700 मील सत्रह सौ पचास मील वो नहीं टकराया। वो चला गया। उसने कर दिखाया। डॉक्टर चैम्बरलिन, तुम्हारी पत्नी ने हमें बचा लिया। तुमने हमें बचा लिया। लेकिन पैम का क्या? ब्रुक हेवन का क्या? कोई सिग्नल नहीं है, पूरी तरह से बंद है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी बहादुरी और बुद्धिमता के लिए शुक्रिया। मैग्नेट सॉफ्टवेयर फिर से हमारे गृह की सुरक्षा कर रहा है। 33 माइक्रो टेस्ला के साथ हमारी कम्युनिकेशन और हमारा वातावरण वो पहले की तरह ही फिर से काम कर रहा है। पामेला कुशिन और डॉक्टर चैम्बरलिन ने कर दिखाया। आप सभी का शुक्रिया। हमारे हीरोज, भगवान उनकी रक्षा करें। तुम्हारी आवाज सुन के पता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। पैम, क्या तुम रो रही हो? मिस्टर जोशुआ, पैम अब नहीं। हमने साथ रहने का वादा किया था, लेकिन अब हे रॉन, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है ना? तुम तो अच्छी तरह जानते हो उसे। पता है, अब हम तीनों नहीं, हम दोनों साथ रहेंगे, इसलिए मिस पैम क्या हो रहा है? आराम से। ये तो चमत्कार हो गया, ये फिर रहा है। लंबी सांस लो। आराम से, सब ठीक है। क्या हमारी धरती बच गई? लंबी सांस लो। मिस्टर जोशुआ फोन पर है। तुम बिन्दु हो। क्या तुम मुझे झेल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुमने मुझे फिर कभी छोड़ के जाने का सोचा भी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी भी नहीं। क्या मैं घर वापस आ सकता हूं तुम्हारे पास? इस बारे में सोच के बताऊंगी। इंतजार रहेगा तुम्हारा डॉक्टर कुशिंग।
लव यू। अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज टीवी शो देखना पसंद है तो गूगल पर सर्च करें 143like.com। अब पहले लिंक पर क्लिक करें। आप इस साइट पर सभी प्रकार की मूवीज ऑनलाइन देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में।